क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज डाइप्रोटिक, और डाइप्रोटिक उन्हें कहते हैं जो दो एच प्लस आयन देते हैं। तो पहला है मोनोप्रोटिक। अब पहचानते कैसे हैं? पहचानने का तरीका यह है कि ऑक्सीजन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वही उसकी कहलाती है बेसिसिटी, यानी कि क्षारकता। तो इस क्वेश्चन में आपको राइट ऑप्शन फर्स्ट लग रहा होगा, बट यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। कैसे है आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए जितने हाइड्रोजन होते हैं, तो H3PO3 की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसकी वैलेंसी होती है 3। तो अब होता क्या है, फास्फोरस इस प्रकार ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो दो ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो बच गया इसके एक वैलेंसी, यानी कि एक हाइड्रोजन बचा है, तो इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फास्फोरस दो ऑक्सीजन से जुड़ा है और इन दो ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो जिन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है और उतने ही एच प्लस आयन मिलते हैं और उनकी क्षारकता उतनी ही होती है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है इसलिए इसकी क्षारकता, या हम इसको कह सकते हैं डाइप्रोटिक। तो ऑप्शन में पहला है मोनोप्रोटिक, दूसरा है डाइप्रोटिक, तीसरा है ट्राइप्रोटिक और चौथा है मोनोप्रोटिक। आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ड्यूरिंग डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन इन एक्वेरियम आर। देखिए फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग में क्या होता है कि जो लिक्विड और सॉलिड होते हैं वो एक्वेरियम पर होते हैं। चूँकि जो सॉलिड है वो फ्रिज होगा? नहीं होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट। तो यहाँ पर लिक्विड है और सॉलिड है, तो दोनों इक्विबेरियम पर हैं, लेकिन यहाँ पर जो सॉलिड है वो फ्रिज नहीं होगा, लेकिन जो लिक्विड है वो फ्रिज होगा। तो यहाँ पर जो हमारा मोर करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक का है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बोला है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर दे रखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर नहीं दिया होता तो हम यूनिट से पहचानते। तो यहाँ पर कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज फ्रॉम 0.1 m टू 0.025 m इन 40 मिनट्स एंड द रेट ऑफ रिएक्शन वेयर, आपको दे रखा है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ए का दे रखा है 0.01 m। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो अभिक्रिया की दर होगी, मतलब अभिक्रिया की दर क्या होगी। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला बनेगा T=2.303 / k log a / a-x। तो यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका t है वो गिवेन है, यानी t की वैल्यू दिया हुआ है, तो t की वैल्यू है 40। अब 40 है तो 2.303 / k log, बात करते हैं हम a की, तो a की वैल्यू दी हुई है 0.1 m, तो हम a की जगह क्या लिख देंगे 0.1। और इसके बाद a माइनस x की वैल्यू भी दी है 0.025। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पर जो 0.1 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है, तो यहाँ पे पॉइंट को हम कैंसिल कर देंगे, तो आपका आ जाएगा दो स्थान पे और यहाँ पे आ जाएगा 0025, मतलब आ जाएगा आपका 4। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 40 है तो 40 लिख देंगे, फिर है 2.303 / k log, और log के बाद है 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 log 2, यानी कि log मल्टीप्लाई कर देंगे 2 log 2 का। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह बनेगा 2 log 2 लिखने के बाद। अब यदि हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और हमें निकालना है R की वैल्यू, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो R = क्या हो जाएगा K into A। तो यहाँ पर अब हमें K की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे K की वैल्यू आएगी। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू क्या आएगा, तो जो 40 है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि 2.303 / 40, यानी कि बटे में 40 log, फिर उसके बाद था 2 log 2। तो कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, k की वैल्यू मिल गई। अब हमें r निकालना है, तो r बराबर मैंने बताया था k into a, यानी a मतलब यहाँ पर आपका है कंसंट्रेशन ऑफ a। तो यहाँ पर हम k की वैल्यू क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, तो k की वैल्यू रख देते हैं 2.303, इसके बाद हो जाएगा
टू लॉग टू, ठीक है। अब यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन की बात करा है तो ए की कंसंट्रेशन हम रखेंगे 0.01 जो कि दिया हुआ था, और अपान क्या कर देंगे हम 40। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 3.47 इंटू 10^-4 मोल लीटर यूनिवर्स, और आ जाएगा मिनट यूनिवर्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है दिया हुआ है ऑप्शन 4, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है ये फिजिक्स के स्टूडेंट बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक परमाणविक गैस प्रक्रम से होकर गुजरती है, उसकी ग्राम अणुक विशिष्ट उष्मा होगी। तो यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन वी इज़क्वल टू के, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पी वी यूनिवर्स इज़क्वल टू के, और एन इज़क्वल टू लिख सकते हैं -1। चूँकि जो मोलर हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, तो मोलर हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है आप उसे नोट कर सकते हैं। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर होगा सी वी प्लस आर अपॉन 1-n। तो हम लोगों ने n निकाल लिया है -1। तो जो मोनो एटॉमिक एटम्स होते हैं उसका जो सी वी होता है वो होता है आपका, तो सी वी की वैल्यू होती है 3/2 r, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सी वी की वैल्यू को क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम सी वी की वैल्यू रखेंगे तो सी वी की वैल्यू रखेंगे 3/2 r, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस है r अपॉन 1-1, क्योंकि n की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा था, -1 था। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4r/2। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो मिलेगा ऑप्शन 3rd, 4r/2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, और ये एक रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। ए पॉजिट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम 11Na23। तो यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम 23 है, अब इसे एक पॉजिट्रॉन निकलना है। तो जब भी पॉजिट्रॉन निकलता है तो वहाँ पर एटॉमिक नंबर में 1 की कमी होती है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10, और एटॉमिक वेट में कोई कमी नहीं होती, तो एटॉमिक नंबर 23 ही रहेगा। और यहाँ पर ये क्या है, पॉजिट्रॉन का फार्मूला है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि नाभिक में परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु क्रमांक में अनुपात क्या होगा। तो अनुपात पूछा है तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, 23/10। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3rd। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने का तरीका आप देख लीजिए कैसे करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 है। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इन XeF4 इज, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर Xe के साथ 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, और हम जानते हैं कि Xe के पास होते हैं आपके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास बच गया एक पेयर, दो पेयर, यानी कि आप कि इसके पास रहेगा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कैसे आप ट्रिक के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं। तो यदि आपको जानना है कि कैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सिंपल तरीके से मात्र 2 सेकंड में निकाला जा सकता है, तो आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बोलिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुरंत इस पर वीडियो बनाऊँ ताकि ईजिली आप इस तरह के क्वेश्चन को कुछ सेकंड में ही कर पाए। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38 है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्राकृतिक सिल्वर धातु तनु NaCN के विलयन यानी कि जल में के साथ मिलकर किसकी उपस्थिति में जल में विलयशील संगुणक यौगिक बनाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, ऑक्सीजन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39 है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये फार्मूला, गिव्स ऑन हीटिंग ए गैस विच इज़ आल्सो गिवन बाय। तो याद रखिएगा कि ये ऐसा अमोनियम कंपाउंड है जो कि हीट करने पर नाइट्रोजन देता है, बाकी अदर कोई भी अमोनियम कंपाउंड हीट करने पर नाइट्रोजन नहीं देता। बेस के साथ तो देते हैं बट गर्म करने पर नहीं देते। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी गैस निकालता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1st है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो N2+ जितना हाइड्रोजन बचा हुआ है, कितना हाइड्रोजन बचा हुआ है, 4, यानी कि 2H2O।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज़ नो डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम इज, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा केंद्रीय परमाणु है जिसमें कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पर होना चाहिए MnO4-। तो यहाँ पर हम Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7। अब Mn की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 आ गया। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, यानी कि 25 मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो आएगा 4s2 3d5। तो जब यहाँ पर +7 आएगा तो यहाँ पर ये और ये 0 हो जाएंगे, यानी कि डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द मोस्ट बेसिक, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन ज़्यादा क्षारीय है। तो जो एलिफेटिक एमीन होती है वो मोर बेसिक होते हैं देन आपके एरोमेटिक एमीन के, क्योंकि जो एलिफेटिक एमीन होते हैं वो ईजिली इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो एनिलीन में तो डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है बेंजील एमीन, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। तो बेंजीन एमीन का आप फार्मूला देख सकते हैं, बेंजीन रिंग CH2NH2। तो एनिलीन में क्या है कि डायरेक्ट आपके बेंजीन रिंग से जुड़ा है, बट बेंजील एमीन में क्या है आपके एलिफैटिक ग्रुप है इस वजह से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42 है, 1-chlorobutane ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहलिक पोटास गिव, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट 1-butane, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं, और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।